सम्मानित कलाकार साथियों, जितने भी भारत के और जिस विधा के हैं, सम्मान पूर्वक आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए एक गीत मैं आप लोगों की सेवा में दे रहा हूं। सबसे ज्यादा लोक गीत बिरहा हमारे पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में चलती है, और इसमें एससी एसटी ओबीसी के ही कलाकार हैं। लेकिन ऐ मेरे सम्मानित कलाकार साथियों, बात तो बुरी लगेगी आपको, क्योंकि अध्ययन की कमी आपके अंदर है। पहले भी आप मनवाद के गुलाम थे और आज भी मनवाद के गुलाम हैं। लेकिन कुछ कलाकार साथियों का मैं सम्मान भी करता हूं, जैसे इधर पश्चिमांचल में बड़े पैमाने पर कलाकार बदल गए और अपने इतिहास की बात, अपने महापुरुषों की बात करते हैं। हमारे पूर्वांचल में हमारी बहुत सारी हमारी बहनें, हमारी कलाकार, जैसे सरोज त्यागी हैं, सुनीता चंचन हैं, कंचन काजल हैं, संगीता भारती हैं, इस तरीके की। मैं जितनी भी, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, बस सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि हैसियत आपको ये कहां से मिली। ये जो कलाकार बेचारे काम कर रहे हैं लगातार मिशन के लिए, उनको पागल कुत्ता नहीं काटा है, क्योंकि दिल और दिमाग से वो स्वस्थ और आजाद हो गए हैं। और आप लोग अभी गौमूत्र और गौ गोबर पर भरोसा कर रहे हो। मैं ये गीत इसलिए गा रहा हूं कि लगातार सबसे ज्यादा मैं देश को बचाने में, संविधान को बचाने में, भारत को बचाने के लिए काम कर रहा हूं, गीत गा रहा हूं। लेकिन सबसे ज्यादा विरोध मेरा मेरे कलाकार साथी कर रहे हैं। अब चूंकि इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि बिरहा संघ का प्रेसिडेंट होने के नाते बहुत लोग कह रहे हैं कि हम आपको नहीं मानेंगे, आप मानिए चाहे मत मानिए, एक चीज मैं आज स्पष्ट अपने गीत की ओर से करना चाहूंगा कि मुझे ऐसे अध्यक्ष की जरूरत नहीं है जिस पद के लिए मैं समाज को और अपने शोषित पीड़ित समाज को, अधिकार वंचित समाज को गुलामी की तरफ खेलूं। मुझे पद की आवश्यकता नहीं है, मुझे अगर आवश्यकता है तो भारत के शानदार संविधान और भारत देश के लिए है। मेरी जो लड़ाई है कि मैं भारत को हिंदुस्तान नहीं बनने दूंगा जब तक इस धमनिया में बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा घूम रही है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर कभी भारत को हिंदुस्तान का सपना इसलिए नहीं देखे कि बाबा साहब अंबेडकर इस कहानी को जानते थे कि जिस दिन भारत हिंदुस्तान हो गया उस दिन इस संविधान की बलि चढ़ जाएगी और हमारा पिछड़ा समाज, हमारा एससी समाज, एसटी समाज, हमारा माइनॉरिटी समाज फिर वहीं जाएगा जहां 1000 साल पीछे था। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन की पहली हेडिंग डाला तो उन्होंने कहा इंडिया इज भारत, हिंदुस्तान शब्द का नाम बाबा साहब अंबेडकर संविधान में आने नहीं दिए। लेकिन मैं अपने उस सम्मानित नेताओं से भी कहना चाहता हूं, संविधान के बल पर आप एमपी एमएलए बन रहे हो, प्रधान प्रमुख बन रहे हो, अपने मुख से हिंदुस्तान शब्द का नाम लेना बंद कर दो। खास तौर से अपने सम्मानित कलाकारों के लिए भी कहता हूं कि हिंदुस्तान की जगह अगर भारत कहोगे तो मुंह में गोबर नहीं जाएगा। हिंदुस्तान और भारत ये दोनों की शब्दावली, हिंदुस्तान का मतलब कि इस देश का 85 मूल निवासी समाज को गुलामी की तरफ खेला जा रहा है, इसे अधिकार वंचित किया जा रहा है। अभी ये सब कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ। मैं पूछना चाहता हूं जितने भी देश के, हमारे पूर्वांचल के बिरहा समाज के जो बड़े कलाकार हैं, अब तक ये गीत आपने क्यों नहीं गाया कि इस देश का प्रधानमंत्री भी हिंदू, इस देश का राष्ट्रपति हिंदू, इस देश का गृह मंत्री हिंदू, इस देश का रेल मंत्री हिंदू, इस देश के पूरे डीएम हिंदू, इस देश के सारे जज हिंदू और भारत के 29 राज्य के सारे मुख्यमंत्री हिंदू,
अब क्या बाकी है कि जो हिंदू राष्ट्र ये गधे मांग रहे हैं और तुम लोग उनके पीछे खड़े हो। इस चीज को, इस बारीकी को जानना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब मैं बता दे रहा हूँ और खास तौर से गीत सुनने वाले अपने सम्मानित साथियों से बताना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इस गीत को आम जनमानस में पहुंचाइएगा, तभी आपका ये भारत देश बचेगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब नाई का बेटा केवल बार छिलेगा, नाई का बेटा आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, लोहार का बेटा केवल लोहा पीटेगा, कोयली का बेटा केवल सब्जी उगाएगा, सोनार का बेटा केवल सोना पीटेगा, पढ़ने का अधिकार उसे नहीं है, यादव का बेटा केवल भैंस चराएगा, भैंस पालेगा, दूध निकालेगा और दूध से कारोबार करेगा, संपत्ति मुक्त, अधिकार मुक्त, शिक्षा मुक्त सब होगी। तो मैं इसलिए ये गीत अपने कलाकार साथियों के लिए ही गा रहा हूँ। सब कुछ गाओ लेकिन पूरी रात में एक बार अपने महापुरुषों के त्याग बलिदान पर भी ध्यान दे दो। क्या है खास तौर से, नाराज मत होइएगा मेरे मित्रों, क्योंकि उसी डाली से मैं भी हूं जिस डाली से आप हो। फर्क यही है कि आप अपने लिए गा रहे हो, जी रहे हो, और मैं महापुरुषों की विचारधारा और इस देश के शोषित समाज के लिए गा रहा हूं और जी रहा हूं, क्योंकि मौत निश्चित है, एक दिन सबको धरती छोड़ना है। अगर देश के लिए, समाज के लिए, देश हित में काम करके जाओगे तो सदैव ये समाज और इतिहास आपको याद रखेगा। लाइन जा रही है भैया, जितने मुझसे नाराज कलाकार हैं मैं उन नाराज साथियों से कह रहा हूं कि नाराज मत हो, बात को समझने की क्षमता बढ़ाओ। और वैसे भी नाराज खुद से मुझसे कोई बहुत मतलब भी नहीं है। मैंने जो विषय चुना है इसी विषय में आखिरी दम तक जिंदा रहूंगा। मैं नाराज खुद सोने से बदलने वाला भी नहीं हूं, क्योंकि छोटा ही जीवन बाकी रह गया है। जब तक जीऊंगा बाबा साहब अम्बेडकर तथा गदबोध की विचारधारा को धरती पर प्रशस्त करता रहूंगा। आप गाओ लेकिन पूरी रात में एक बार, जिन लोगों ने आपको सब कुछ दिया एक बार उसका भी नाम ले लो, यही कह रहा हूं। क्या है के जवाब देना। पहली लाइन है क्या है, ओहो हो, शिक्षा के दी माता सा बिद्री भई, I'm not afraid।
इस देश में ब्राह्मणों ने अपनी बेटियों को भी पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, लेकिन माता सावित्रीबाई फूले ने 1835 में इस आंदोलन को शुरू किया। ज्योतिबा राव फूले, माता सावित्रीबाई फूले को किसी तरह से पढ़ाए और पढ़ा करके कहे कि जाओ और जा करके चोरी चोरी पिछड़े समाज शोषित समाज की बेटियों को पढ़ाओ तो। और जब इन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो उस समय माता सावित्रीबाई फूले के ससुर थे गोविंद राव फूले। ब्राह्मणों ने कहा कि तुम फूल का बगीचा लगाए हो, अगर तुम्हारा बेटा इस देश में शोषित समाज को पढ़ाने का प्रयास करेगा तो तुम्हारे सारे फूल अशुद्ध हो जाएंगे, महाराष्ट्र के किसी मंदिर में नहीं चढ़ेंगे। कलो तो का करी साहेब, कल कि अपने बेटे को मना कर दो कि पढ़ाने का आंदोलन खत्म करे, या तो अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दो। गोविंद राव फूले कहे आकर के ज्योतिबा राव फूले से कि बेटा ये गलत कर रहे हो। वो कहे मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, मैं अपने मोमेंट से पीछे नहीं हट सकता। गलत अब मोमेंट चलावे किया ये देश में पिछड़न के पढ़ावे को खा बेटा तो घर से अपन दुल्हन लेके निकल जा। ज्योतिबा राव फूले माता सावित्रीबाई फूले को लेकर के निकल गए। मैं धन्यवाद करता हूँ मैनाल्टी समाज के भाई उस्मान शेख जी का, माता फातिमा शेख जी अपने घर में उन्होंने स्थान दिया और इनके मोमेंट और आंदोलन को इन्होंने आगे बढ़ाया। और 1848 में पहला विद्यालय बेटियों के लिए माता सावित्रीबाई फूले ने बनवाया, तब इस देश में बेटियां पढ़ना शुरू की। उसके पहले 1848 के पहले भारत की बेटियां क लिखने का अधिकार इनको नहीं था। तो मुझे सिर्फ एक बात बताओ मेरे कलाकार साथियों, भाज के चुनरी ओढ़ के गा रहे हो, हंसवा उड़ावत आ गई लुमाई, ओ माँ किस विद्यालय में तुम्हारी पढ़ी थी जो शिक्षा की देवी हो गई, ज्ञान की देवी हो गई, स्वर की देवी हो गई, कितना संगीत विद्यालय बनाया हो, कितना विद्यालय खोला इस देश में अधिकार वंचित समाज के बेटे बेटियों को पढ़ने के लिए, ये प्रमाण खोज लेना। और नहीं यही समाज माइक देता है, मंच देता है, और यही समाज पैसा देता है, सम्मान देता है, और जा करके इसी समाज के बीच में मनवादी गुलामी को तुम लोग सिखा करके इस समाज को भ्रष्ट कर रहे हो। इसलिए मेरी लाइन बता रही है, बुरा मत मानिएगा मेरे कलाकार साथी, मैं सिर्फ आपको संदेश दे रहा हूं। दूसरी लाइन जा रही है, दिल और दिमाग खोल करके सुन लेना, दूसरे को सुना देना। ये लाइन अगर बुरी लग गई तो मैं निश्चित रूप से जानता हूं कहीं ना कहीं किसी सिस्टम के आप गुलाम हो। क्या है
इस देश में समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और भाईचारा का संदेश दिए। बुद्ध का जन्म इसी उत्तर प्रदेश बिहार नेपाल के सेंटर लुम्बिनी में हुआ। बुद्ध की विचारधारा को जापान समझ गया, चाइना समझ गया, अमेरिका समझ गया, श्रीलंका समझ गया, सिंगापुर समझ गया, लेकिन भारत के गोबराए समाज अब तक बुद्ध को नहीं जान पाया। पूरी दुनिया में 180 करोड़ बुद्ध के अनुयायी हैं। पूरी दुनिया के 192 देशों में 58 देशों ने बुद्ध को अपना भगवान बना लिया। और बुद्ध का पूरा जीवन, जन्म लिए लुम्बिनी में, ज्ञान हुआ बोध गया में, शिक्षा स्थल इसी बनारस के सारनाथ में। चाइना, जापान, तिब्बत सब जान गए, लेकिन इसी बनारस में गोबराए आज भी विश्वनाथ जी के मंदिर में पैसा दे दे के पानी चढ़ावत हो। इंसान बनना है तो बुद्ध को जानना पड़ेगा। अगर बुद्ध को जान गए तो निश्चित रूप से जानता हूँ कि आप अपने पूरे जीवन को सार्थक कर लिए। बुद्ध ने मानव से मानव को जोड़ने का काम किया। बुद्ध धम्म कहता है, मानव मानव एक समान, बुद्ध धम्म की ये पहचान। और बुद्ध कोई धर्म नहीं है, धम्म है। धम्म का मतलब विचारधारा, और धम्म की विचारधारा में समता, समानता, बंधुता, स्वतंत्रता, भाईचारा, ये है धम्म का ता। ये मत बताओ हम अहीर बन के पैदा भइली, तू चमार बन के पैदा भइला, तू कुम्हार बन के पैदा भइला, तू पंडित बन के पैदा भइला, तू छत्री बन के पैदा भइला। माँ की ओर से सारे लोग इंसान बनकर पैदा होते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने गीत के माध्यम से अपने प्रोफेसर भाई लक्ष्मण यादव जी को, जिन्होंने एससी समाज की बेटी से सम्मान पूर्वक शादी करके लाए और इस नारे पर लाए कि जातियां तोड़ो और समाज को जोड़ो। सम्मान करना चाहता हूं अपने भाई चंद्रशेखर रावण जी का, आशीर्वाद देने के लिए आए। सम्मान करता हूं आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री बड़े भैया श्री अखिलेश यादव जी का, आप भी इस बरबधु को सादर सम्मान किए हैं और समाज को संदेश दिए हैं कि शादी जात की नहीं होती है, शादी बेटियों की होती है, इसे भी ध्यान में रख लेना। और कभी भी जातियों के पीछे भागने वाला आदमी वो पक्का ब्राह्मणों का गुलाम होगा। आज अभाव इसी चीज का है। जब इस देश में नागवंशी समाज था, यहाँ जातियां नहीं थी, तो एक कबीले से दूसरे कबीले में शादियां हुआ करती थी। लेकिन इस देश के ब्राह्मणों ने जातियां बना करके उन्होंने हमें तोड़ दिया कि अगर बेटी रोटी का रिश्ता इनका नहीं होगा तो एक नहीं होंगे और हम सदैव इनके ऊपर सत्ता शासन करते रहेंगे और एक गौमूत्र गोबर पूछते रहेंगे और पत्थर की मूर्ति पर रुपया चढ़ाते रहेंगे। इन बारीकियों को जानने का प्रयास करो। मानो से मानो होती ये कहीं समान हो, कितनों बड़े विद्वान हो, बुद्धिमान हो, संत कबीर और संत रैदास से बड़े आप विद्वान नहीं हो। संत कबीर जी कहते हैं, बुद्ध विचारधारा को भारत में सबसे आगे बढ़ाने वाले संत कबीर और संत कबीर की विचारधारा को संत गुरु रैदास आगे बढ़ाए हैं। क्या कहते हैं,
संत गुरु रैदास संत कबीर को भारत नहीं पूरी दुनिया जानती है, और संत गुरु कबीर ने बुद्ध विचारधारा को आगे बढ़ाए, और संत कबीर की विचारधारा को संत गुरु रैदास आगे बढ़ाए, और बढ़ाते हुए इन लोगों ने समझाया कि इस देश में देवी देवता इंसान को नहीं बनाए, बल्कि देवी देवताओं को इंसान ने पैदा किया। सीधा फंडा है, क्योंकि देवी देवता स्वयं इंसान को बनाते तो इंसान के दुख दर्द को समझते। देवी देवताओं की शरण में बेटियों का बलात्कार हो रहा है, देवी देवताओं के मंदिर में व्यभिचार चोरी भी हो रही है, और जितना देवी देवताओं के पंडे पुजारी हैं वो सब तिहाड़ जेल में धूर फांक रहे हैं। इसलिए स्पष्ट होता है कि इस देश में देवी देवता नाम की कोई वस्तु नहीं है, न कोई चीज है, न कोई देवता है। इसलिए वहां से मोह भंग करो। सुनिए, झूठा देवी देवता पाखंडी समझवले, क्योंकि सच्ची बात सच्ची चीज बड़ी कड़वी होती है। सुनिए मेरे कलाकार साथियों, करताल भांज रहे हो बावन हाथ, करताल भांजने का अधिकार बड़े मंचों पर किसने दिया? ये लाइन हमारी जा रही है, साहब अंबेडकर के नेतृत्व में उनके मेहनत पर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना। अगर भारत का संविधान बाबा साहब अंबेडकर नहीं बनाते तो आज भी किसी बागीचे में किसी नहर नाली के किनारे चटाई बिछा करके करताल बजाते। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में वो हैसियत आपको दे दिया कि बड़े मंचों पर खड़ा होकर के करताल भांज रहे हो, और करताल भांजते भांजते विधानसभा में और लोकसभा में भी जा रहे हो। ये बाबा साहब अंबेडकर की मेहनत की देन है। और जब शुरुआत करते हो तो सरस्वती को भजते हो, शादी ब्याह में राम का ब्याह गाते हो। अब गीत लंबी हो रही है, ज्यादा नहीं कहूंगा, दूसरे गीत में राम की भी नसबंदी करूंगा मैं। राम क्या है दो लाइन में ही बता दूं। हमारे संविधान का विरोध करने वाले सारे राम भक्त हैं, हमारे अधिकार का विरोध करने वाले सारे राम भक्त हैं,
हमारे आरक्षण का विरोध करने वाले सारे राम भक्त हैं। ये जितनी राम भक्त हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि इस देश में पिछड़ा मूल निवासी समाज सम्मान का जीवन जिए। अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम न बाप के कंधा देहलें, मेहरारू लंका गई समाज के दिखावे बदे मेहरारू के आगे में तपोला वहां से भी निकल गई, और जो अयोध्या आई तो गर्भवतियों के जंगल में भेज देना। वो आदमी मर्यादित नहीं हो सकता, वो आदमी हत्यारा है, मैं नहीं मानता उसे। इस देश में शोषित समाज को शिक्षा देने का प्रयास करने वाले शंबुक ऋषि, जो वाल्मीकि ग्रंथ, मैं उसे मैं ग्रंथों को मानता नहीं, लेकिन तुम्हारा ग्रंथ भी तुम्हें दोषी ठहरा रहा है। शंबुक इस देश में पिछड़े समाज शोषित समाज को चोरी चोरी शिक्षा दे रहे थे। तुम्हारा राम ने शंबुक की हत्या किया, दो भाइयों में झगड़ा थी बाली और सुग्रीव में, तुम्हारा राम भगवान था लेकिन जाके एक भाई की हत्या किया। भगवान हत्या नहीं करते इंसान का। रावण के भाई भविष्ण को फोड़ लिए और रावण के भाई कुंभकर्ण का वध किए, रावण की बहन सुपर्णखा का नाक कान काट लिए, तुम्हारी बीबी को ले गया, सीता को इज्जत सम्मान से रखा था, उसके बाद लाखों की हत्या तूने जाके लंका में करवा दिया, ऐसा तेरा ग्रंथ बताता है। तो तुम मर्यादा पुरुषोत्तम राम तुम लोगों के लिए होंगे, लेकिन इस देश के एससी एसटी ओबीसी के लिए ये सबसे बड़ा हत्यारा है, और हम इसे नहीं मानेंगे और नहीं अपने समाज को मानने देंगे। हम इसका लगातार विरोध करेंगे। और वैसे हमारा जो मानना है कि राम नाम का कोई व्यक्ति यहाँ पैदा नहीं हुआ, सही बात है। कई बार कह चुका हूँ, पूरे भारत के शंकराचार्यों को ऐलान करता हूँ कि राम अगर धरती पर पैदा हुए, स्पष्टीकरण दे दो, पूरा जीवन गुलामी करूंगा मैं। लाइन हमारी जा रही है, जय हो। बाबा साहब भी मरावा दिहलाय संविधान, अम्बेडकर का नाम लेने में अपमान महसूस कर रहे हो, जिसके त्याग और बलिदान के बल पर इस शान का जीवन जी रहे हो। कह रही है लाइन, पूछ किसको रहे हो। अम्बेडकर ने सम्मान स्वाभिमान का जीवन दिया, शिक्षा सम्मान दिया, संपत्ति रखने का अधिकार दिया, उनके बल पर एमपी एमएलए डॉक्टर इंजीनियर बन गए, लेकिन पूछ किसको रहे हो। ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को, इंद्र को, नारद को, दुर्गा को, काली को, जिनका कोई धरती पर इतिहास नहीं है। सुना पचासी भैया मोरे मूल निवासी, एक बात जान लो,
दास और दासी का मतलब गुलाम होता है, भक्त का मतलब गुलाम होता है। कहला कि हम राम भक्त हैं, राम भक्त का मतलब तुम एक सिस्टम के गुलाम हो। राम ने 100 गलती किया लेकिन तुम मान नहीं सकते क्योंकि तुम उनके सेवक हो, उनके सेवादार हो। इसलिए भक्त और दास दासी बनने का प्रयास मत करो। भारत में जो शानदार संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने दिया है, संविधान की तहजीब को समझो और संविधान में जीने का प्रयास करो। लेकिन अभी भी समझने का प्रयास नहीं कर रहे हो, जितना हो सकता है हमारा विरोध करते हो, तो विरोध कर लो। हमें विरोध से कोई मतलब नहीं है, बस हमारा मतलब है कि थोड़ा जीवन है और ये जीवन बाबा साहब की चरणों में समर्पित है, महापुरुषों की विचारधारा को। और एक चीज और बता दे रहा हूँ कलाकार साथियों, कि जब तक बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को पूरे भारत में जन जन तक नहीं पहुंचा दूंगा, तब तक इस धरती में अमराज के जमराज के पास बेमत भी नहीं है कि वो धरती से मुझे उठा पाएगा। क्यों? कि मैं बुद्ध को मानता हूँ, जो पूरी दुनिया जिसको मानती है, मैं उसका अनुयायी हूँ। विद्वान बनना है तो अंबेडकर को पढ़ लो, तर्कवान बनना है तो बुद्ध को जान लो। केवल दो ही विषय है तुम्हारे जीवन की काफी, भरमते रह जाओगे कुछ नहीं मिलेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। गीत को सुनते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और शेयर करके ज्यादा से ज्यादा इस गीत को समाज में भेजिए। सादर जय भीम।